दोस्तों हम यहाँ बताएंगे कि साइफन क्या होता है। साइफन से एक तालाब में से दूसरे तालाब में या तो एक तालाब में से बाहर पानी कैसे निकाल सकते हैं विदाउट पंप एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें ना कोई पंप की ज़रूरत पड़ती है ना कोई इलेक्ट्रिसिटी की। इसको लोकल लैंग्वेज में कोई बकनड़ी बोलते हैं या तो सब अपने अपने एरिया के मुताबिक कुछ ना कुछ इसको कहते हैं। इंग्लिश में इसको साइफन बोलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं बड़ा सा पाइप को हमने पानी में डाला हुआ है, 6 इंच का पाइप है, फिर भी हम लोग इसको इससे पानी निकलेगा। सबसे पहले करना क्या पड़ता है, 6 इंच पाइप के पीछे एक फुटवाल डालना पड़ता है तो जिससे अच्छा रहता है। और पूरा पाइप जैसे हवा निकल, आगे से हवा निकलेगा पीछे फुटवाल से दबाया तो पूरा पानी जैसे निकल रहा है यहाँ से आगे से। एक बार आगे से पानी बाहर आ गया जैसे आप देख रहे हैं तो सब मिलके, सब आदमी मिलके उसको खींचेगा पाइप को। वो पाइप बहुत हैवी है, 6 का पाइप है, इसलिए ज़्यादा आदमी की ज़रूरत पड़ता है। वो बीच बीच में दोरी से बांध के रखा हुआ ताकि जैसे आप देख रहे हैं जैसे दोरी भी पाइप के साथ निकल रहा है और आदमी उसको जुड़ जाते हैं बारी बारी। और जैसे अभी और आखिरी एक दोरी निकलेगा, आदमी ने उसको पकड़ लिया और आगे की तरफ एक आदमी रहेगा जो उससे उसका मुंह ऊपर रखेगा ताकि पानी निकल ना जाए। और धीरे धीरे पाइप को खींच के आगे से उसको छोड़ देंगे ताकि इसमें पूरा पानी है वो ग्रेविटी से पूरा पीछे की तरफ निकलना शुरू कर देगा जैसे आप देख रहे हैं उसको। और आराम से पूरा तालाब उसमें बिना इलेक्ट्रिसिटी का निकल सकता है। जैसे आप देख रहे हो अभी भी पाइप खींच रहा है और अभी फुटवाल यहाँ पानी में डूबा हुआ है और यहाँ जाके उसने पाइप छोड़ दिया, अभी मुँह छोड़ दिया। आप देख रहे हैं कितनी स्पीड से पाइप आ रहा है, ये 6 इंच का पाइप है और बहुत ही हैवी पाइप से आता है, हैवी पाइप है और पानी भी बहुत फोर्स से आता है। देख रहे हैं आप उसको, ये तालाब है, ये बड़ा तालाब है, उससे थोड़ा डाउन में है, उससे खाली हो जाएगा। और देख जैसे कि आप देख रहे हैं बिना कुछ खर्चे के आप उसको तालाब पानी खाली